अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जोया की दुनिया। तो दोस्तों जी हाँ, आज का वीडियो है आप लोगों के फरमाइश पर कि हम ज़्यादा अरख कैसे निकालें जोया। तो चलिए बताती हूँ मैं आज के वीडियो में कि अगर ज़्यादा अरख चाहिए तो हमें क्या करना है। इसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर 4 टेबल स्पून गुड़। तो जी हाँ, आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि ज़्यादा अरख कैसे निकालेंगे और अगर हमारे पास टीन का डिब्बा अवेलेबल ना रहा तो हम ऑयल किस तरह कलेक्ट करेंगे। तो देखिए, फिर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ वही क्वांटिटी में 4 टेबल स्पून टी पाउडर और नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी 4 टेबल स्पून शुगर। तो अब इन मिक्सचर को एक बार अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अगर आप लोगों को टीन का बॉक्स नहीं मिल रहा है तो भी कोई बात नहीं, किचन में रहने वाले बॉल से ही आज हम बना लेंगे। घर पर यूज़ नहीं करने वाला भगोना बॉल, अगर घर पर कुछ फंक्शन, पार्टी, वेडिंग्स रहा तब हम इस तरह के बॉल्स यूज़ कर लें, क्योंकि घर पर जितने भी मेंबर्स रहेंगे इंशाल्लाह तमाम ख्वातीन के लिए नेल्स मेहंदी के लिए अरख निकलेगा। आप लोगों को और हेवी अमाउंट में अरख चाहिए तो आप बाउल या भगोना उसका साइज़ बढ़ा लें और जो हम यूज़ करते हैं इंग्रेडिएंट्स उन सब इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी भी बढ़ा लें। तो देखिए, मैं यहाँ पर इस तरह रख दी हूँ, अब सेंटर में रख दूँगी इस तरह एक बाउल। तो बस मैं इसके ऊपर रख रही हूँ इस तरह स्टील की प्लेट। अगर आपके पास वही साइज़ में स्टील बॉल रहा तो भी रख सकते हैं। तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हमेशा की तरह नॉर्मल वाटर। तो अब नेक्स्ट चलेंगे किचन में। तो नेक्स्ट गैस ऑन कर रही हूँ, बस अब हम फ्लेम को एकदम लो पे रखना है और 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। एग्जैक्ट 15 मिनट के बाद मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। ठंडा हो गया है, बस एक बार देख लूं। वाओ, कितना अच्छा तेल आ गया है ना। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यही है कि हम ज़्यादा अरख कैसे निकालेंगे। तो आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो अब मैं इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर दूँगी। इसके बाद जो प्रोसेस रहेगा कि इस अरख में हम मैदा फ्लोर को ऐड करते हैं और उसके बाद कॉर्न्स बनाना और फिर नेक्स्ट अपने नेल्स पर अप्लाई करना, वो तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं नहीं दे रही हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़ जा रही है। उसके लिए आप लोगों के लिए मैं वो तमाम वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप के चेक कर लें। भगोने के अंदरूनी हिस्से में जला हुआ मिक्सचर को भी किस तरह क्लीन करेंगे और ये बाउल को भी किस तरह क्लीन करेंगे, उसका वीडियो लिंक भी मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जाकर चेक कर लें। तो दोस्तों देखिए, बहुत ही प्यारे कलर में ज्यादा अरख आया हुआ है। तो इस तरह हम ज्यादा अरख चाहें तो हम भगोना या बाउल का इस्तेमाल कर लें। अगर आपके पास टीन का डिब्बा ना रहा तब भी हम इस तरह बॉल का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया क्या? पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़रूरी बात, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि किस घर में फंक्शन है, किस घर में वेडिंग है, किस घर में पार्टी है, हमें पता नहीं होता। हम एक दूसरे को शेयर करने से सबकी हेल्प हो जाएगी। आप लोग भी अपने थॉट्स मुझसे शेयर कर लीजिएगा। और दोस्तों, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ आपकी जोया, अल्लाह हाफिज़।